सो वेलकम स्टूडेंट्स, आपका वेलकम हमारी एक नई वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जाने वाली है क्लास 10th के ऊपर। हम आपको करवा रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग का बेसिक बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, अब हम आते हैं अपनी क्लास पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हमारा आता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैं आपको डिफाइन बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट और अ सिंगल प्रोडक्ट। आपस में आप दो वर्ड सुन रहे होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे तो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने उसमें इसका मतलब बता दिया है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। कंबाइन से आपको लग ही रहा होगा, कॉम्बिनेशन से आपको लग ही रहा है कंबाइन, साफ जुड़ता सीधा वर्ड है, तो कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन कंबाइन करना। ओके, इसके एग्जांपल लेते हैं कुछ। ओके, ये देखिए एग्जांपल, H2+O2 क्या बन गया हमारा? वाटर। क्या बन गया हमारा? वाटर। H2+O2 रिएक्टेंट्स है, क्या है? रिएक्टेंट्स है। और ये सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल है ये, क्या है हमारा? सिंगल प्रोडक्ट है, वन है ये। और ये यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं दो है, दो रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे एक सिंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एक मेन आप एग्जाम्पल पे आते हैं, CaO+H2O कंबाइन हुआ, CaOH2+ हीट रिलीज हुआ। ओके, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, 1 मार्क में आता है ये CBSE में, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ क्विक क्लाइम। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक क्लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक क्लाइम। ऐसे बहुत सी वर्ड है जिनको कुछ और कहा जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। मैं बताऊंगा आगे क्लास में आपको क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या उसके इक्वेशन होते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक क्लाइम कहा जाता है केमिकल इक्वेशन में। H2O को आपको पता ही होगा व्हाट है, CaOH2 को स्केट लाइन कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन ऑफ स्केट लाइन, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और क्या इतना ये सब होगा तो क्या होगा? हीट रिलीज होगा, रिलीज होगा, रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। ओके, ये जितने भी है मैं आपको एक और बार पढ़ के बता देता हूँ। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट और अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा दो रिएक्टेंट ज्यादा। ओके, अब सुनिए, रिएक्टेंट्स जो है हमारे दो से ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ रिएक्टेंट्स 3 भी हो सकते हैं, मगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट 1 से ज्यादा होता है तो फिर कोई दूसरा रिएक्शन है। मैं आपको बताऊंगा अगली क्लासेस में, मैं बताऊंगा आपको सारे रिएक्शन, सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। आज की क्लास में हर एक क्लास में आपको एक एक रिएक्शन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से और क्या उनमें होता है और उनके एग्जाम्पल्स हमेशा मैं एक एक बताऊंगा आपको, जिससे आप स्ट्रेस ना ले, अपना ज्यादा को माइंड में डिप्रेस ना करे। ओके, बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, अगली क्लास में आपको ये भी बताऊंगा। सो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू।